Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Ji ki taraf se Khwaja Moinuddin Chishti sahab ki 808vein urs ke avsar par chhota sa to kya ho gaya maine unki darbar mein chadar pesh ki is mauke par Pradhanmantri Narendra Modi sahab ne jo sandesh diya hai उस संदेश को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें वर्ष उर्स के अवसर पर विश्व भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं. दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत के वार्षिक उर्स पर दरगाह में शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. भारत समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं का देश है और हमारे देश में सूफी संतों ने अपने आदर्शों और विचारों के माध्यम से राष्ट्र में सांस्कृतिक ताने बाने को सदैव मजबूत करने का प्रयास किया है. शांति और एकता का उनका पैगाम हमें जीवन में अनुशासित, शालीन और संयमित रहने की सीख देता है. सद्भावना और सौहार्द के आदर्श प्रतीक के रूप में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह दुनिया भर में विविध आस्थाओं और मान्यताओं के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. अनेकता में एकता हमारे देश की खूबसूरती है और सालाना उर्स इसी भावना को संजोए, सहेजे और महसूस करने का अवसर है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के 808वें उर्स पर मैं दरगाह अजमेर शरीफ से देश की समृद्धि की कामना करता हूं. नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार. प्रधानमंत्री जी का संदेश है वो बहुत स्पष्ट है. ये देश जो है वो इस देश की जो ये देश सेकुलर देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, तो इस सेकुलरिज्म और पंथ निरपेक्षता की आत्मा है सौहार्द और एकता. इस आत्मा को किसी भी तरह से, किसी भी रूप में कोई भी शक्ति नुकसान ना पहुंचा पाए, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए और ये संकल्प है. एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, उनकी है शेर है कि दुश्मनी खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो, नफ़रतें ख़त्म करो, प्यार करो, प्यार करो. एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, ऐ मेरे दोस्त तुम उतनी ऊंची तो ये दीवार करो, न ऊंची ये दीवार करो. तो ये इसलिए हम लोगों का ये संकल्प है और इसी संकल्प से मेरा देश दुनिया में सबसे अलग है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया.